नमस्कार, आदाब, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस के जलवायु परिवर्तन की जांच से जुड़ी संस्था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की छठी रिपोर्ट के बारे में। आईपीसीसी की इस विषय पर पिछली रिपोर्ट 2014 में जारी हुई थी। यह रिपोर्ट अब तक की सबसे विस्तृत रिपोर्ट मालूम होती है, जिस पर 195 देशों के 14,000 वैज्ञानिकों ने 7 साल से अधिक काम किया है। आखिर ये रिपोर्ट कहती क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 लाख सालों में भी दुनिया उतनी अधिक गर्म नहीं हुई थी जितनी पिछले कुछ एक दशक में हुई है। तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी से दुनिया भर में झकझोर देने वाली बारिश 7 गुना अधिक बढ़ रही है। पिछले 3,000 सालों में समुद्री स्तर में इतनी बढ़ोतरी कभी नहीं हुई जितनी अब हो रही है। सिर्फ यही नहीं, नॉर्थ पोल में आइसबर्ग्स की हाइट भी पिछले 1 साल के मुकाबले में कम है। रिपोर्ट का दावा है कि 1850 से 1900 के बीच में जो तापमान था उसकी तुलना में अब तक 1.09 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हो गई है। रिपोर्ट तैयार करने वाले वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अब इसी दर से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और 2100 तक ये बढ़ोतरी 2.1 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगी। हाल में देखने को मिल रही बेतहाशा गर्मी इसी कदर बढ़ती रही, बेमौसम बारिश और सूखा इसी तरह जारी रहा तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तापमान में ज़रा सी बढ़ोतरी से आने वाला समय कितना भयानक हो सकता है। जो चिंता की बात है वो ये है कि अगर हम सारी कोशिशें करने के बाद भी कुछ हद तक ग्लोबल वार्मिंग को किसी तरह से कम करने में कामयाब रहते हैं तो भी पोलर क्षेत्रों में तेज़ी से पिघल रहे ग्लेशियर्स और हिमखंडों को रोकने में 1,000 साल तक लगने का अनुमान है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि समुद्रों का तापमान अगर यूं ही बढ़ता रहा तो सी लेवल यानी समुद्र स्तर आने वाले 100 साल तक इसी तेज़ी से बढ़ता रहेगा। समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी और ख़राब शहरी विकास योजना के कारण हमें कोस्टल इरोजन यानी तटीय अपरदन की गंभीर समस्या देखने को मिल सकती है, जिससे आने वाले दशकों में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी और आजीविका पर सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। आईपीसीसी है क्या? आपको बता दें कि आईपीसीसी का गठन 1988 में हुआ था। ये एक विश्व स्तरीय संस्थान है जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक जलवायु और उसमें हो रहे परिवर्तन पर शोध करके एक गहरी और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हैं। आईपीसीसी की ये रिपोर्ट 3 भागों में प्रकाशित की जाएगी। पहला भाग, जिसे 9 अगस्त को प्रकाशित किया गया था, उसमें जलवायु में हो रहे परिवर्तन के इंडिकेटर्स यानी पहलुओं पर चर्चा की गई है। दूसरा भाग जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और तीसरा इस संकट के रोकथाम के लिए ज़रूरी कदमों पर रोशनी डालेगा। ये दोनों भाग अगले साल प्रकाशित होंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जलवायु संकट के क्या कारण हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लाइमेट में विनाशकारी परिवर्तन का कारण मूल रूप से सिर्फ इंसानी गतिविधियां हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को मानवता के लिए कोड रेड करार दिया है। उनका कहना है कि फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन और पेड़ों की लगातार घटती संख्या से धरती का दम घुटता जा रहा है। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अब कोल प्लांट्स यानी कोयला संयंत्रों का अंतिम समय आ चुका है। आइए सुनते हैं दिल्ली साइंस फोरम और ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क से जुड़े डी रघुनंदन का इस पर क्या है कहना। पहली बात तो यह है कि कोयले के साथ अगर मांग ये होता कि तेल पेट्रोलियम पे आधारित पावर प्लांट भी तुरंत बंद कर दिया जाए तो कुछ मायने भी रखता है, पर केवल कोयले को टारगेट करना मेरे ख्याल से इसमें गलत है, क्योंकि ज़्यादातर जो विकासशील देश हैं तेल जला के बिजली को पैदा करना महंगा पड़ता है और आम तौर से विकासशील देश इसको नहीं करेंगे, पर विकसित देश जो है तेल जला के वो बिजली पैदा करते हैं, तो उस पर रोक लगाने की बात क्यों नहीं की जा रही, इस पे एक सवालिया निशान जरूर उठता है। मान लीजिए आप सौर्य शक्ति पे अगर निर्भर होते तो आपको दिन में बिजली मिलती, रात को नहीं मिलती। पवन शक्ति पे अगर आप निर्भर हैं तो जब हवा चल रही है तब मिलेगी, जब हवा नहीं चलती है तो नहीं मिलेगी। और अभी भी विज्ञान उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि आप दिन में बिजली को पैदा करो, उसको बैटरी में स्टोर करो और फिर रात को उस बैटरी से आप बिजली को सप्लाई करो। इतनी बड़ी बैटरी
इतनी बड़ी मात्रा में बिजली को स्टोर करके सप्लाई करने की क्षमता अभी तक उस स्केल तक नहीं मिली है। वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं, पर वो आज नहीं 15 एक साल के बाद शायद उपलब्ध हो देशों के लिए। तो आज के दिन तुरंत फॉसिल फ्यूल बेस्ड बिजली, चाहे वो कोयले से हो या तेल से हो, वो मुमकिन नहीं है। विकासशील देशों के लिए तो मुमकिन है ही नहीं, और विकसित देशों के लिए भी नहीं। इंग्लैंड में, यूके में, अमेरिका में, उनका अभी तक कोयले पे आधारित बिजली तकरीबन 20 से लेके 30, कुछ देशों में 40% तक होता है। हमारे देश में भी 40% तक के आसपास में हमारी बिजली की पैदावार कोयले से होता है। तो इसको हमें ये नहीं देखना चाहिए कि तुरंत किया जाए, इसको धीरे धीरे हम कम करें। जब तक स्टोरेज, सौर्य शक्ति और न्यूक्लियर, इसको बढ़ाया जाए। न्यूक्लियर के अपने खतरे हैं, उसको भी मन में रखना चाहिए। और जैसे दिन बढ़ता है, जब नई तकनीक हमारे पास आएगी तो स्टोरेज की टेक्नोलॉजी होगी आपके पास, तो आप सौर्य शक्ति को स्टोर करके फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तब तक आप कोयले को फेज आउट कर सकते हैं। अब आगे भविष्य क्या है? औद्योगिक युग से लेकर अब तक का 70% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन विकसित देशों ने किया है, और इसके परिणाम आज हमारे सामने मौजूद हैं। इसलिए अगर हमें सुधार की तरफ बढ़ना है तो कार्बन एमिशन को कम करने की जिम्मेदारी प्रत्येक देश पर समान रूप से नहीं डाली जा सकती है। एक बात तो तय है कि अमेरिका के नेतृत्व में विकसित देशों की यह मांग और उम्मीद कई मायनों में गलत है कि सभी देशों को 2050 तक जीरो एमिशन का लक्ष्य रखना चाहिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि विकसित देशों के लिए इस लक्ष्य को पूरा करने की समय सीमा को थोड़ा पहले, यानी 2030 से 35 तक कर देना चाहिए। विकासशील देशों को विकसित देशों से वित्तीय और तकनीकी सहायता लेकर अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए ज़्यादा वक्त मिलना ज़रूरी है। ख़त्म करने से पहले इस बात पर हम सभी को बार बार जोर देने की ज़रूरत है कि भारत ने अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। भारत ने अब तक जलवायु संकट के प्रभावों से निपटने के लिए कोई आकलन या योजना नहीं बनाई है। भारत क्या कर सकता है, इसका जवाब हमें दो पहलू में देखना चाहिए। पहला ये, दुनिया की जो कोशिश है कि उत्सर्जन पे काबू लाया जाए, उस पे भारत कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है, कितना हम उस पे मदद कर सकते हैं, ये एक पहलू है। और उसमें भारत ने अभी तक काफ़ी एक अच्छा प्रॉमिस किया है कि हम अपने उत्सर्जन को जीडीपी के मात्रा के तुलना में तकरीबन 33-35% हम कम करेंगे सन 2030 तक। दूसरा पहलू जो मेरे मानने में आज के दिन भारत के सामने और भी बड़ी चुनौती है, वो ये है कि जैसे हम देख रहे हैं हर साल भारत में भारी वर्षा हो रही है, मानसून के दौरान भी, जो आम तौर से एक दिन में 50 मिलीमीटर बारिश पड़ता है, वो अब 200 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर बारिश पड़ता है। और ख़ास करके शहरी इलाकों में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, वो हम हर साल देख रहे हैं। इसको मन में रखते हुए हमारी शहरी विकास की प्रणाली को भी हमें बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए ड्रेन बनने चाहिए, नाले बनने चाहिए, ताकि ये पानी को ले जाया जाए नदी में, तालाब में, टैंक में, सागर में, कहीं पे उसके लिए आपके पास ड्रेनेज होनी चाहिए। ड्रेनेज अगर नहीं है तो पानी वापस आएगा और सड़कों पे और घरों में घुसेगा, तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा, शहर को हमने बनाया कैसे? आजकल शहर को देखते हैं लालच की आंखों से, जो रियल एस्टेट के लोग हैं, बिल्डर की लॉबी है, जहां उनको जमीन दिखती है उसके ऊपर वो मकान बना देते हैं। मुंबई में मीठी नाम की जो नदी है वो, चेन्नई में अडयार और कुवम नाम के नदियां जो थे उनको आपने रोक दिया, उसके ऊपर बिल्डिंग बन गई, इमारत बन गई, उसमें झाड़ फाड़ पूरे उग गए, तो फिर पानी को बहने के लिए कोई जगह नहीं है जो अदरवाइज सागर में जा सकते। ऐसे ही समुंदर का लेवल ऊपर बढ़ रहा, मुंबई, चेन्नई, कोची, पुरी, कलकत्ता,
इन शहरों को 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर सागर के पानी के नीचे दबने की आशंका है। मेरे ख्याल से भारत में राज्य सरकारों को और राज्य सरकारों से भी ज्यादा केंद्र सरकार को, उनको मिल के इसके बारे में एक योजनात्मक कदम उठाने चाहिए कि अगले 5 साल में हम इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो हमें जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से बचाएगा। राज्य सरकार की आंखें थोड़ी खुली हैं इस पे, पर केंद्र सरकार अभी तक इस मामले पे सोई हुई है। ये IPCC की रिपोर्ट हमारे लिए आखिरी मौका है जिस पर अमल करके जलवायु संकट को टालने की कोशिश में हम जरूरी कार्रवाई कर सकते हैं। आने वाले समय में जलवायु संकट के और भी अनेक पहलुओं को समझने के लिए देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।